टीस्पून गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि ये लाइट गोल्डन हो जाए। उसके बाद इसे हम चिकन ऐड करेंगे। इसके मैंने क्यूब्स बना लिए थे, इसको चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। माशाल्लाह चिकन हमारा बन गया है। पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे स्पेगेटी जो कि मैंने पहले बॉयल की हुई थी। मिक्स करेंगे, उसके बाद 1 मिनट के लिए इनको रख देंगे हल्की आंच में। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन डाला है बटर, वो इससे कि उसका टेस्ट अच्छा आएगा।